हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही आने वाले त्योहारों की तैयारियों में जुटे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सुबह से मैं बैठी हूँ और सारे भगवानों की ये कर रही हूँ, क्या कहते हैं, श्रृंगार कर रही हूँ बेसिकली। तो अब आ गई हैं हमारी राधा रानी फिर से, बड़े वाले विग्रह राधा रानी के, उनकी तैयारी मैं कर रही हूँ, उनके श्रृंगार करने की मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। साथ ही ये है कि छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इसमें नई रखी हैं, ऐड ऑन करने के लिए रखी हैं। देखते हैं कैसे बैठता है श्रृंगार, कैसे क्या होता है, क्योंकि कई चीज़ें नई मेरे लिए भी नई हैं। मैं आपके साथ ट्राई करूँगी कि कैसे किया जाता है ये चीज़, या मतलब छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि राधा रानी को इस बार जो है दुपट्टा जैसे मैं आगे से लगाती हूँ, सीधी चुन्नी टाइप, वैसे ना लगा के मैं साड़ी टाइप लगा रही हूँ। और इनको भी मैं चंद्रिका लगाऊंगी, इनके लिए भी एक ये इस तरीके से चूड़ामणि आया है, वो भी मैं इनको लगाऊंगी। और क्या है, और तो कुछ नया नहीं है। कान्हा जी के इसमें छोटी मोटी चीज़ें नई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए आइए देखते हैं कि इनका श्रृंगार कैसे होता है। तो इनके लिए मैंने यहाँ पर पिंक वस्त्र निकाल दिए हैं। ये तो इनकी आज की चुन्नी है, जो डबल चुन्नी आप जानते हैं मैं सर से उड़ाती हूँ एक। और ये है राधा रानी का लहंगा, सब लोग पिंक पहन रहे हैं तो ये भी पिंक ही पहनेंगी। ये राधा रानी का लहंगा है। और सुबह से अब मेरी हालत बोल चुकी है, बिल्कुल ही टाय हो चुकी हूँ मैं। ये राधा रानी की ये है कोटी है, ब्लाउज, और ये इनकी चुन्नी। साथ ही यहाँ पर मैंने इनकी ज्वेलरी जो है वो पूरी निकाल के सामने रख ली है, ताकि इनको कोई वेट ना करना पड़े और हम फटाफट तैयार करते हैं राधा रानी को। तो ये इनका हार है, ये इयररिंग्स हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा है इसलिए आराम से दिख जाता है। ये इनके कंगन, ये नथ है आज की, क्योंकि हर किसी में जैसे आप देखेंगे कि नेकलेस में, उनके कमरबंद में, उनके कड़ों में, सब में जो है वाइट, रेड और ग्रीन बीड्स का काम है, तो इसलिए मैंने नथ भी वैसी ही निकाली है। और ये इनकी चंद्रिका है, चंद्रिका प्लेन वाइट है, सिर्फ यही प्लेन वाइट है, बाकी सब कुछ उनके मैचिंग का है। और ये इनका जो है चूड़ामणि है। तो यहाँ पे पीछे जो चौकी मैंने रखी हुई है वहाँ पे मैं सारा सामान रख देती हूँ, क्योंकि ये बड़े विग्रह हैं, इनको मुझे सजाने के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स, पहले मैं इनको लहंगा चोली पहना लेती हूँ, तब मैं आपके सामने लाऊँगी, ऐसे नहीं लाऊँगी। सो बस 2 मिनट दीजिए मुझे, तब तक के लिए हम बातें कर सकते हैं, तब तक के लिए खूब सारी बातें कर सकते हैं हम। वी आर अ फैमिली, हम बहुत सारी बातें करते हैं। तो आप लोगों की क्या क्या तैयारी हो चुकी है नवरात्र के लिए, क्या क्या शॉपिंग हो चुकी है, क्या क्या कर रहे हैं नवरात्र में? वैसे तो कहीं पे भी इकट्ठे होना, ये करना अलाउड नहीं है, बट क्या करें। तो नहीं तो इस नवरात्र में अगर महाराष्ट्र में देखें तो काफ़ी अच्छा खासा बूम रहता है वहाँ पे, गरबा नाइट और ये और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, बॉम्बे दिल्ली साइड में तो इतना कल्चर नहीं है इन सब चीज़ों का, गरबा वगैरह का। बॉम्बे में अच्छा बूम होता है इन चीज़ों का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वहाँ पे एक अलग सी ही जो है ना त्यौहार पता चलते हैं, लाइफ होती है लोगों की, यहाँ पे ऐसे लगता है यार क्या है। और माता रानी अभी तक आई नहीं है और मैं बहुत 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 गुस्सा हो रही हूँ अब तो, मतलब मेरा मन ख़राब हो गया है बिल्कुल इस चीज़ से कि पता नहीं कब आएंगी, क्या होगा, कैसे होगा, बिल्कुल एकदम जो है ना,
बस नहीं बता सकती मैं आपको कि मेरा मूड कैसा है। मेरा मूड बहुत ख़राब है इस चीज़ को लेकर के कि भाई बहुत पहले मैंने ऑर्डर कर दिया था, मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि मुझे माता रानी के विग्रह चाहिए होंगे और नवरात्र से पहले चाहिए होंगे। खैर क्या बोलें, अब उस बेचारी के हाथ में भी कुछ नहीं है। ये तो मैंने पूछा था तो मेरे को उसने बता दिया था कि दीदी ऐसा है कि उन लोगों ने आपका कुरियर होल्ड पे डाल दिया है, क्या किया है क्या नहीं किया है, पता नहीं क्या नाटक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। 12 नंबर के जो लड्डू गोपाल हैं वो भी बेचारे बाबू श्रृंगार के लिए बैठे हुए हैं, उनका भी श्रृंगार का आधा सामान उसमें है, पिंक कलर की पगड़ी इसमें नहीं है, नहीं तो मैं इनको भी नहला धुला के श्रृंगार कर देती इनका भी। बट एज लक वुड हैव इट यही सब जो है चल रहा है और मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है मुझे। सो फ्रेंड्स ये लगभग लगभग मैंने इनको वस्त्र पहना दिए हैं और अब हम करेंगे इनका ज्वेलरी में उनका श्रृंगार होना है वो। मैं कैमरा मूव करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सो जी फ्रेंड्स सबसे पहले जो मैं करूँगी, मैं ये जो इनकी चुनरी है इसको मैं साड़ी की तरह फिक्स कर दूँगी, मतलब साड़ी के पल्लू की तरह, ताकि फिर हम आगे का और श्रृंगार कर सकें। कमरबंद मैं चुनरी के ऊपर से ही लेकर आऊँगी, जिस तरीके से मैंने और जो है राधा रानी का सबका श्रृंगार किया है, वह जो भी राधा रानी का ही किया है, राधा रानी का या बाल स्वरूप राधा रानी का, वो चुन्नी को रोकने के लिए ऊपर से कमरबंद पहनाए हैं, उसी तरीके से बिल्कुल हम इनका भी श्रृंगार करेंगे। इस तरीके से चुन्नी को मैंने जोड़ के बिल्कुल ये सेट कर लिया है वो, और यहाँ पे मैं ऑल पिन से जो है इनको सिक्योर कर रही हूँ। यहाँ पर ऑल पिन से सिक्योर हो जाएगी तो ये हिलेगी नहीं। यहाँ पे मैं इस तरीके से लेकर आ रही हूँ, जैसे ये मोती का काम है, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐसे पीछे चला जाएगा और ये जो है इसको मैं यहाँ पे लहंगे के साथ यहाँ पिन कर दूँगी। फ्रेंड्स ये साड़ी की तरह मैंने पूरा सिक्योर कर दिया है इसको, और अब इनका जो कमरबंद है ये मैं इनको पहना रही हूँ, तो ये थोड़ा सा और भी सेट होता जाएगा साथ के साथ ही। थोड़ा सा ढीला करते हुए कमरबंद तो मैं पहना रही हूँ। क्योंकि मुझे इतने बड़े कमरबंद मिले नहीं थे जब मैं इनके विग्रह लाई थी, तो मैंने फिर जो पायल मिलती हैं उनसे मैंने इनके कमरबंद बनाए थे। यहाँ पे ये जो है मैंने इनको कमरबंद पहना दिया। अब आती है बारी इनकी ज्वेलरी की। ये मैं यहाँ पे हार सेट कर रही हूँ।
श्रृंगार बहुत ही धीरे धीरे से और संभल संभल के करती हूँ मैं, कि कहीं गलती से जल्दबाजी में कहीं कोई हाथ पैर ना लग जाए, कुछ ना हो जाए, इसलिए। तो ये इनका मैंने हार सेट कर दिया यहाँ पर, और अब बारी आती है इनके इयररिंग्स की। तो इयररिंग्स जो है ये काफ़ी लॉन्ग हैं इनके कानों के हिसाब से। अगर मैं इनको देखिए यहाँ पहनाती हूँ तो ये ऐसे लटकने लगते हैं यहाँ यहाँ पर। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा ऊपर जो है कान की तरफ, जैसे हम लोग कान चेन लगा के पूरे कान भर के इयररिंग्स पहनते हैं, मैं उस तरीके से इन इयररिंग्स को थोड़ा ऊपर करके ऐसे लगाती हूँ ताकि ये इस तरीके से कान में पूरा भर जाता है और बहुत सुंदर लगता है इनका कान पर। इसी तरीके से मैं उस तरफ भी इयररिंग लगाऊंगी, थोड़ा सा मोड़ लेती हूँ इनको, 2 मिनट बस। बहुत धीरे धीरे ध्यान से करना पड़ता है मुझे। इनका श्रृंगार बहुत प्यारी है ये, और मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी हड़बड़ी से या गलती से इनका विग्रह कहीं से भी खराब हो। तो देखा अपने फ्रेंड्स मैंने कैसे इनके कान एकदम पूरे भर के जो है इयररिंग्स पहना दिए। अब मैं इनको कड़े पहना रही हूँ, तो कड़े जो हैं ये इस तरीके से पूरा खुल जाता है, लेकिन इसको कड़ा बनाने के लिए जो है मैंने इसमें ये सॉफ्ट वायर जो है ये डाल रखी है। तो इसमें से ऐसे पिरो के मैं जितनी चाहिए होती है डिज़ायरेबल ये रख के उसको मैं टाइट कर देती हूँ। तो ये जैसे यहाँ करके मैंने इसको यहाँ पे लॉक कर दिया। इसी तरीके से दूसरे हाथ में भी कड़ा पहना देंगे। थोड़ा सा ऊपर करके मैं यहाँ डालती हूँ ताकि यहाँ पे ये कड़ा रुक जाता है। और ये एक छोटी सी बिंदी जैसी है जो मैं इनकी फिंगर्स पे लगाती हूँ रिंग बनाने के लिए। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ रिंग इनकी, फिर बारी आती है इनकी चंद्रिका की। लेकिन चंद्रिका वगैरह लगाने से पहले मैं इनकी चोटी जो है वो मैं लगा देती हूँ। पिछला श्रृंगार जो भी है चोटी पर मैं वो हटा देती हूँ। अभी पिछली बार तो ज़्यादा कुछ चोटी का श्रृंगार किया नहीं था, वही बस फ्लावर्स और स्टोन के जो क्लिप्स थे वही लगाए हुए थे मैंने इस तरीके से, वही बस अभी मैं निकाल रही हूँ। और इसके ऊपर इस बार हम जो है पूरा गजरा लगा देंगे। वैसे तो मन है इनका खुले बालों का श्रृंगार करने का, लेकिन इनके खुले बाल मेरे पास है नहीं, देखती हूँ मंगवा लूँगी मैं। कर्ल्स में खुले बाल जो आते हैं देवी जी के, मंगवा लूंगी, वो भी मंगवा लूंगी धीरे धीरे। यहाँ से आने देंगी चोटी, इसके ऊपर मैं लगा दूंगी गजरा। तो एक काम करते हैं आज, गजरा ना लगा के इस तरीके से फ्लावर लगा देते हैं सिंपल सा, क्योंकि बाकी सारा श्रृंगार जो है बहुत हैवी हो रखा है। जो है चोटी को मैं रखती हूँ आज सिंपल, बस लगा दिया मैंने एक फूल, क्योंकि फिर मुझे दिवाली के लिए जो श्रृंगार करना है वो मैं हैवी करूँगी और हैवी श्रृंगार करूँगी इससे, क्योंकि दिवाली है। और फिर आती है राधा रानी की बिंदी, साथ के साथ में ये क्लिप्स अंदर रख देती हूँ। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कहीं गिर जाती हैं, कहीं खो जाती हैं, से बेटर है कि संभल जाए अपनी जगह पे रहे जी। अब आती है बारी बिंदी की। तो बिंदी के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं राधा प्यारी जी के, ऐसे पूरा डब्बा भर के सिर्फ इनकी बिंदियां ही हैं। मैं बस वही देख रही हूँ कि कौन सी बिंदी लगाऊं मैं इनको। तो
इसमें जो एक यहाँ पे पिंक कलर की बिंदी है, लॉन्ग बिंदी, इस बार मैं इनको लगा रही हूँ। इस तरीके से मैंने इनकी लगा दी है बिंदी, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैं लगा रही हूँ गोन इस तरीके से स्प्रेड करके, ताकि मैं यहाँ नथ लगा दूँ। अभी नथ को मैं नीचे तक, जैसे हम लोग नथ पहनते हैं नाक में, उसी तरीके से मैं थोड़ा सा ऐसे करके लगा रही हूँ। राधा रानी का अभी तो खैर बाकी है श्रृंगार, अभी देखते हैं कि कौन सा लुक और आता है। यहाँ पे मैं खोल लेती हूँ चंद्रिका, क्योंकि मैं चंद्रिका लगाने का एक्चुअली वेट नहीं कर पा रही हूँ। बहुत टाइम से मन था मेरा इनको चंद्रिका लगाने का। लेकिन वही हो जाता है ना कि मिल नहीं रहा था और पता नहीं था कि कहाँ एग्जैक्टली मुझे चीज मिलेगी। तो यहाँ पे पहले मैंने लगा दी गोंद थोड़ी सी, और यहाँ पे अब जो है मैं लगा रही हूँ इनकी चंद्रिका। इस तरीके से कुछ जो है राधा रानी का लुक अब आएगा। दुल्हन जैसी लग रही हैं आज। रजवाड़ा लुक जो मेरे को इनको थीम था मेरा इनका तैयार करने का, मेरे को बिल्कुल वैसी सी लग रही हैं आज ये। जी फ्रेंड्स, ये देखिए राधा रानी ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो चुकी हैं। एक मैं इनके हाथ में ये चेन है ये पकड़ा देती हूँ, इत्र जो है वो हम लगा देते हैं इनको। और ये रही इनकी चूड़ामणि, ये भी पहना देते हैं। छोटी वाली मतलब की जो पीतल के श्रृंगार, पीतल की विग्रह हैं, उनमें तो बिल्कुल जो है मुझे उनका लुक बिल्कुल लक्ष्मी जी जैसा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि लक्ष्मी नारायण जी बैठे हुए हैं वहां पर। तो जी फ्रेंड्स, मैंने एक काम इस बार जो है सीखा है कहीं से, देखते हैं कितना इसे मैं लगा पाती हूँ। ये चक्र पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि ये मुझे इस ड्रेस के साथ मिला था, ये अटैचमेंट थी। तो इसमें हुआ ये था कि ना, मुझे किसी ने बोला था कि ये लगा के दिखाइए, उस वक्त मुझे नहीं आता था इसे कैसे लगाते हैं। तो इस बार मैंने मंदिर में पंडित जी से पूछा कि इसे लगाते कैसे हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं कुछ कुछ नया नया इस बार ट्राई करूँगी, तो ये उसमें से ही एक चीज़ है। मैं देख रही हूँ कैसे लगता है ये, आप लोग मेरे साथ रहिए, देखिए शायद लगा लूँ शायद ना लगा पाऊँ, इसलिए मैंने चुन्नी भी रखी है। अगर ये नहीं लग पाएगा तो चुन्नी, डबल चुन्नी उनको सर से करा दूंगी। तो इसमें मैंने क्या किया है, बेसिकली इसको जितना मुझे खोलना था इनके सर के पीछे के हिसाब से उतना मैंने खोल लिया है, और यहाँ पे ना मौली बांध ली है, एक रबर बैंड डाला है, फिर मौली डाली है, फिर यहाँ पे नीचे मैंने इन दोनों एंड्स को पकड़ के यहाँ पे सेफ्टी पिन डाल दी है, ताकि ये एकदम स्टिफ रहे। और ये मौली यहाँ पे मैंने छोड़ दी है ऐसे। तो ये मैं इन्हीं का जो चक्र बना हुआ है इसके पीछे से लेती आऊंगी।
नीचे बेसिकली, और इस एंड से, ताकि इसको हम थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, ये यहाँ नहीं यहाँ लगेगा, बल्कि यहाँ से लगाने धागा खींचने चक्कर में वहां से मौली निकल गई बताइए, और इयररिंग निकल गया वो और अलग। चलिए कोई नहीं, यहाँ से मैंने पकड़ लिया है टाइट करके, अब मैं यहाँ से निकाल के एक बार पकड़ लेती हूँ, और फिर हम इसको जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ पे बांध देंगे। जिस तरीके से मैं चोटी को इनके चक्र से निकालती हुई बांधती हूँ, उसी तरीके से ये वाला जो चक्र है इसे भी हम प्रॉपरली प्लेस करके बांध देंगे। काफी ट्रिकी है ये, अभी 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 मुझे ज्यादा ट्रिकी लग रहा है, क्योंकि अभी मेरे लिए नया नया है बिल्कुल, ये मैंने आज से पहले कभी नहीं लगाया था ये, इसीलिए शायद मुझे ज्यादा जो है ये ट्रिकी लग रहा है। वैसे है भी इसी ड्रेस के साथ, और किसी ड्रेस के साथ ये है भी नहीं, लेकिन अगर लगाना आ गया मुझे तो मैं और ड्रेसेस के साथ ये ले आऊंगी। तो ये हमारी राधा रानी जो है ये हो चुकी है पूरी तरह से तैयार, अपना चक्र और अच्छे वाले श्रृंगार में इस बार मैंने इनको तैयार किया है। आई होप आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं, अधूरा श्रृंगार नहीं है इनका, पूरा श्रृंगार है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो फ्रेंड्स मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं सुबह से जो है ना सिर्फ और सिर्फ सारे भगवान जी का श्रृंगार कर रही हूँ और कुछ नहीं समझ में आ रहा है अब मुझे। सो जी फ्रेंड्स, ये तो हमारी राधा प्यारी जी हो गई पूरी तरह से तैयार, अब बस कान्हा जी बचे हैं कि कान्हा जी को भी तैयार कर दें, और उसके बाद जो हमारे 12 नंबर के लड्डू गोपाल हैं उनको तैयार होना है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका सामान अभी तक आया नहीं है, तो वो बेचारे अभी अपने सामान के इंतजार में बैठे हैं। मैं भी क्या करूँ, मैं भी अंदर से बहुत ये हो रही हूँ कि कहाँ, मतलब कैसे कहाँ मैं ही पहुँच जाऊँ, मैं ही ले आऊँ। इस नवरात्र में आपको एक बार और मैं शालिग्राम जी का विशेष श्रृंगार दिखाऊंगी कि चंदन श्रृंगार मैं डेली उनका कैसे करती हूँ, लेकिन वो मैं, चलिए जैसे जैसे शूट होता जाएगा वैसे मैं करके दिखा दूंगी। शाम के समय तो उनको मैं नहीं नहलाती हूँ, सुबह के समय मैं उनको नहला के उनका चंदन श्रृंगार करती हूँ, वो मैं ज़रूर से शूट कर दूंगी। कई और भी लोग हैं जो पूछ रहे हैं शालिग्राम जी का श्रृंगार कैसे होता है, क्या है, तो उनके लिए एक ये रिलेटेबल वीडियो होगा। तो ये हो गई है हमारी राधा प्यारी जी तैयार, अब बस कान्हा जी रह रहे हैं, कान्हा जी को भी फटाफट इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। अब के राधा रानी का श्रृंगार हो चुका है, कान्हा जी के वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे।